बिंद्रा नवागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जनकलाल ध्रुव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इस मौके पर उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस प्रशासन ने सक्रियता बरतते हुए निर्वाचन कार्यालय के गेट पर ही सारे समर्थकों को रोका और नामांकन पत्र भरने हेतु निर्वाचन कार्यालय के अंदर प्रत्याशी जनकलाल ध्रुव के साथ 4 लोगों को ही जाने की अनुमति दी। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जनकलाल ध्रुव ने बताया कि इस बार कांग्रेस की लहर चारों ओर है और निश्चित रूप से बिंद्रा नवागढ़ में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। वहीं हमारे नेता भूपेश बघेल ने जो प्रदेश में काम किया है उसका परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलेगा और इस बार बिंद्रा नवागढ़ का इतिहास बदला जाएगा। भूपेश बघेल की सरकार को लेकर के आम जनता में काफी उत्साह है और उत्साह आने वाला जो 17 नवम्बर को ऐतिहासिक मतदान होगा और जो 3 दिसंबर को जो रिजल्ट होगा ऐतिहासिक मतों से हम जीत हासिल करेंगे। भूपेश बघेल की सरकार को लेकर के लोगों में उत्साह है और उत्साह आने वाला रिजल्ट जो होगा उसमें देखने को मिलेगा और ऐतिहासिक मतों से हम बिंद्रानगर में जीतेंगे। हमारे में किसी प्रकार के भाग्य नहीं है, हम लोग साथ में एक साथ काम करने वाले लोग हैं और सब लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं और एक साथ मिल करके ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे।